70 से 75 प्रतिशत उत्पादन करता है। स्वरोजगार के बढ़ते कदम इस उद्देश्य के साथ, यही लक्ष्य के साथ यह जो झांकी आपके समक्ष से गुजर रही है, हस्तकर योजना के माध्यम से कोरोना के काल में भी झारखंड के बच्चे दीवालों को ब्लैकबोर्ड के रूप में जो परिवर्तित किया गया है उसके माध्यम से शिक्षा हासिल करते रहे और क्रांतिकारियों के सम्मान में यह झांकी प्रदर्शित की जा रही है। यह झांकी जो मंच के समक्ष है, यह पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं रूप आज यहां इन झांकियों के माध्यम से देख पाएंगे। सबसे पहले खादी ग्रामोद्योग की झांकी हमारे इस मैदान परिसर में पुलिस लाइन के इस परिसर में खादी ग्रामोद्योग की झांकी, सर्वप्रथम जो झांकी आपके समक्ष इस मैदान में नजर आ रही है वह है खादी ग्रामोद्योग विभाग का स्वरोजगार के बढ़ते कदम, यह इनका ध्येय वाक्य है और खादी के माध्यम से अपने देश के अपने विरासत को संजो कर रखने की संकल्पना के साथ स्वरोजगार की तरफ बढ़ता हुआ यह कदम तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड प्रदेश अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। झारखंड प्रदेश अकेले देश के कुल तसर कोकुन उत्पादन का 70 से 75 प्रतिशत उत्पादित करता है और यही यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय झारखंड रांची के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा यह झांकी कुछ समय के पश्चात मंच के समक्ष से गुजरेगी। नारी सशक्तिकरण के दिशा में खादी के द्वारा, खादी ग्रामोद्योग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन, यानी कि अपना कार्य अपने स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन अपने देश के इस विरासत के माध्यम से उद्योग के रूप में अपने आप को स्थापित कर अपने देश को विकसित करने का की यह कोशिश खादी ग्रामोद्योग के द्वारा। दूसरी झांकी जो हमारे समक्ष से गुजरेगी वह है कृषि एवं पशुपालन विभाग की झांकी। कृषि एवं पशुपालन विभाग की झांकी हमारे समक्ष मैदान में नजर आ रही है। यह झांकी कृषि ऋण माफी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना पर आधारित है। यह झांकी दुमका या झारखंड या यूं कह सकते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और कृषि ना सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित हो सकता है बल्कि इसका वृहद रूप हमारी संस्कृति, हमारे विरासत, हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हमारी यह संस्कृति कृषि पर आधारित है, तो कृषि ना सिर्फ खेतों में की जाती है बल्कि इसके माध्यम से पशुपालन, अन्य तरीके के कैश क्रॉप्स लगाकर उद्योग के रूप में उसे स्थापित करके किस प्रकार से बेहतर झारखंड राज्य को एक उन्नत कृषि राज्य बनाया जाए और कैसे झारखंड की पहचान एक उत्तम कृषि राज्य के रूप में हो पाए, इन्हीं कोशिश के साथ उन सभी योजनाओं का दर्शन आज की इस झांकी में हमें देखने को मिलेगा। किस प्रकार से बीज वितरण कर पशुधन के माध्यम से किस प्रकार से हम पशुओं को अपने धन के रूप में अपने घर में रखें। पशुधन है धरती के प्राण, पशुपालन है कर्म महान, इसी सोच के साथ यह झांकी कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे बीच से गुजरेगी। जो तीसरी झांकी मैदान में नजर आ रही है वह है शिक्षा विभाग की झांकी। शिक्षा विभाग की यह झांकी जो ब्लैक बोर्ड मनकाठी मॉडल पर है, जिसके विषय में आज तमाम जगह पर कई तरह की चर्चाएं हमने सुनी हैं। कई देशों में शिक्षापन पत्र लेख दी के द्वारा पढ़ाने का तरीका ब्लैक बोर्ड मॉडल की प्रदर्शनी जापान, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड जैसे कई देशों में इसकी प्रदर्शनी लगी है। कई देश इस पर अध्ययन कर रहे हैं और नेचुरल कलर से बना यह ब्लैक बोर्ड काठी मॉडल आपके समक्ष से गुजरेगा। कोरोना के काल में शिक्षण व्यवस्था की तमाम विषमताएं और शिक्षा के क्षेत्र में जटिलताओं का सामना करते हुए टेक्नोलॉजी को एडवांस करके किस तरीके से लोगों तक हमने शिक्षा पहुंचाई है, उसमें यह भी एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है जिस पर पूरे विश्व में रिसर्च चल रहा है और
इस मॉडल की पहचान संपूर्ण जगह पर होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने भी इस मॉडल को अपने हैंडल से ट्वीट किया, जिसके बाद यह लोगों के बीच में प्रचलित और प्रसारित हुई। जो झांकी मैदान में अभी हमारे समक्ष आ रही है वह झांकी है जिला संपर्क कार्यालय दुमका या जिला सूचना एवं संपर्क विभाग की झांकी है। यह झांकी जो आपके समक्ष से गुजर रही है, जिसकी चर्चा अभी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुखराबिंद से भी सुन रहे थे, आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार, यानी कि लोगों को जागरूक कर, अपने अधिकारों के प्रति सजग कर, उन्हें दी जा रही सरकार की योजनाओं से अवगत कर, उनके ज्ञान के भंडार को बढ़ाकर स्वयं उन्हें प्रेरित करना कि आप अपने अधिकार के लिए, अपने कार्य के लिए किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, और आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से यही कोशिश की गई है। संपूर्ण राज्य में कुल 6,727 शिविरों का आयोजन, जिनमें 35 लाख से अधिक आवेदन मिले और 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर के माध्यम से किया गया। यानी कि लोगों के अंदर यह जागरूकता कि आप अपनी बात सरकार से सीधे कर सकते हैं, सरकार के पास आप अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं और उन समस्याओं का निष्पादन और समाधान तुरंत ही आपके सरकार, आपके द्वार के माध्यम से किया जा सकता है। यह बहुत ही बेहतरीन तरीका, लाजवाब तरीका लोगों की समस्याओं को सुलझाने का, लोगों के विकास के आयाम को लिखने का। जो अविकसित गांव हैं, ऐसे गांवों में यह नोटिस किया गया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ना सिर्फ उनके जीविकोपार्जन में, ना सिर्फ उनके जीवन में, बल्कि आने वाले भविष्य की पीढ़ी के नींव पर भी एक सुदृढ़ आधार, एक सुदृढ़ नींव और मजबूत आधार उन्हें प्रदान की गई। इसके बाद जो झांकी हमारे मैदान में प्रवेश कर रही है वह पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग की झांकी है, संथाल काटा पोखर। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दुमका जिला के प्रखंड रानेश्वर के अंतर्गत दिगुली के समीप अवस्थित संथाल कोठा पोखर में शहीद हुए क्रांतिकारियों के सम्मान में यह झांकी प्रदर्शित की जा रही है। सिद्धो कानू के नेतृत्व में महाजनी शोषण लगान में अत्यधिक वृद्धि एवं अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संताल क्रांतिकारी यह झांकी जो मंच के समक्ष पर पहुंच रही है, झांकी जो मंच के समक्ष आ गई है वह झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड झारखंड सरकार की झांकी है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड प्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्य है। झारखंड प्रदेश अकेले देश के कुल तसर कोकुन उत्पादन का 70-75% उत्पादन करता है। स्वरोजगार के बढ़ते कदम इस उद्देश्य के साथ, यही लक्ष्य के साथ यह जो झांकी आपके समक्ष से गुजर रही है, हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय झारखंड रांची के अंतर्गत यह झांकी आपके समक्ष आ रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करते हुए मयूराक्षी सिल्क जिला प्रशासन एवं रेशम निदेशालय के सौजन्य से जो विकसित की गई है उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है। इस झांकी के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की दिशा में बोर्ड कार्य करते हुए उन्हें विभिन्न ट्रेंड में प्रशिक्षण एवं रेशम धागाकरण, रेशम वस्त्र उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण, काथा स्टिच, जादू पटिया पेंटिंग द्वारा स्वावलंबी बनाया जा रहा है। यानी कि खादी के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके खादी को विकसित कर उनके जीवन को बदलने की कोशिश, खादी उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान करना, यही इसकी कोशिश है। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग इनमें महिलाएं प्रशिक्षित होकर बुटीक एवं कताई बुनाई के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। जो दूसरी झांकी मंच के समक्ष आ रही है वह कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की झांकी है। झारखंड राज्य में कृषि ऋण माफी योजना, प्रधानमंत्री कृषि रसाई सिंचाई योजना, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसी इन योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई यह झांकी। 80% जनसंख्या हमारी कृषि पर आधारित है।
कल कारखानों की नगण्य संख्या की वजह से जो राज्य सरकार पर वित्तीय भार, जो खरीफ मौसम में वित्तीय भार पड़ता है उसे दूर करने की कोशिश, खरीफ के मौसम में 2418 क्विंटल धान तथा रबी मौसम में 2000 क्विंटल गेहूं के बीज का वितरण 50% अनुदान पर लैंप्स, पैक्स एवं अधिकृत बीज विक्रेताओं के माध्यम से किया जाना, इन सभी योजनाओं की जानकारी यहां दिखाई गई है। झारखंड प्रदेश में वर्षा की कमी में कम वर्षा पर आधारित कृषि और बेहतर कृषि के लिए जिन योजनाओं को यहां पर प्रश्रय दिया गया है उनमें टपक विधि प्रणाली योजना जिसके माध्यम से 1194 लाभुकों को के बीच कुल 477 हेक्टेयर भूमि में 5,93,46,000 रुपए लागत की सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की गई है जिसका प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और उनमें से 66,96,038 रुपए 45 पैसे की माफी योजना जिला स्तर पर स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ किसानों को खेती हेतु पूंजी उपलब्ध कराने में 47,000 किसानों के बीच बिरसा किसान कार्ड का वितरण किया गया है। इन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह की योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं और उन योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ पहुंचाया जाए ये कोशिश इसमें दिखाने की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड, गव्य विकास योजना, मछली पालन योजना, सुकर विकास योजना, इन सब की चर्चा की गई है। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष है वह है शिक्षा विभाग की झांकी, ब्लैक बोर्ड बनकाठी मॉडल की चर्चा मैंने अभी की थी। कोरोना के काल में जहां बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वैसे में यह ब्लैक बोर्ड बनकाठी योजना दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के डुमरुथुर गांव में डुमरुथुर के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने हर दीवार को ब्लैक बोर्ड के रूप में विकसित करके और लोगों को पढ़ाने का कार्य किया। कोविड के दौर में भी यह योजना काफी कारगर रही है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा गई है। इस योजना के माध्यम से कोरोना के काल में भी झारखंड के बच्चे दीवालों को ब्लैकबोर्ड के रूप में जो परिवर्तित किया गया है उसके माध्यम से शिक्षा हासिल करते रहे और इस माध्यम से बच्चों के शिक्षा पर असर नहीं पड़ा। इस योजना को विदेशों में भी मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है और इस योजना के तहत लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए इस पर विस्तार से गहन चिंतन की जा रही है। यानी कि गाँव की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड अपने जो बनाया गया है वह भी स्थायी रंगों का इस्तेमाल कर इस ब्लैक बोर्ड का निर्माण किया गया और इस ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा दी जा रही है। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष से गुजरेगी वह झांकी है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। यह आपके अधिकार, आपकी सरकार के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से अविकसित गांवों में लोगों के बीच जाकर जनहित की योजनाओं की जानकारी, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग करना, उसकी जानकारी उन्हें प्रदान करना और लोगों को जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। जिन लोगों की समस्याएं थी उन लोगों ने वही अपनी समस्याओं को लोगों के का आवेदन दिया और उस आवेदन पर कार्य करते हुए उसका निष्पादन करने की तीव्र प्रतिक्रिया के माध्यम से उन्हें निष्पादित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की यह झांकी उसी बात को यहाँ प्रदर्शित करती हुई आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, यानी कि यह जो आपकी सरकार है वो आपकी समस्याओं को आपके दरवाजे पर जाकर सुलझाएगी। यह कोशिश अप्रतिम, अद्भुत कोशिश, एक बेहतर तरीका है जहां लोग सरकार के पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं आ सकते वहां उनके घरों तक जाकर उनसे उनकी समस्याओं का आवेदन लेकर उन्हें उनके परेशानियों को दूर कर उसकी जानकारी उन्हें देने की कोशिश संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है और यह बहुत ही सफल योजना है जिसमें कई अविकसित गांव जहां की तमाम समस्याओं को सरकार ने वहीं जाकर दूर कर उन समस्याओं का निराकरण किया है।
इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष से गुजरेगी वह है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी। सबसे बड़ी बात जिनकी जिनको नमन कर हम आज यह गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वह गणतंत्र दिवस उन शहीदों को याद करने का वक्त है। ऐसे में 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू जी के नेतृत्व में महाजनी शोषण लगान में अत्यधिक वृद्धि एवं अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संथाल क्रांतिकारी बड़ी संख्या में अपने पारंपरिक हथियारों के साथ कलकत्ता की ओर प्रस्थान किए थे। इस क्रम में मयूराक्षी नदी के आमजोरा घाट को पार करते समय अंग्रेज सैनिक एवं संथाल क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान बहुत से क्रांतिकारी मयूराक्षी नदी में कूद गए जिनका अंग्रेजी सैनिकों द्वारा गोली चलाकर हत्या कर दी गई और सभी क्रांतिकारियों के शव को संताल काटा पोखर में फेंक दिया गया। इस घटना में बहुत बड़ी संख्या में संताल क्रांतिकारी शहीद हुए। यह जो शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ, महाजनी शोषण के खिलाफ जिनके बलिदान हुए, उन संताल काटा में जिन शहीदों को फेंक दिया गया था मयूराक्षी नदी में, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में संताल काटा पोखर को एक शहीद स्मारक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। यह संताल काटा पोखर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दुमका जिले के प्रखंड रानेश्वर के अंतर्गत ग्राम दिगुली के समीप अवस्थित संताल काटा पोखर में शहीद हुए क्रांतिकारियों के सम्मान में यह झांकी प्रदर्शित की जा रही है। यह झांकी जो मंच के समक्ष है यह पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी है जिसे आने वाले वक्त में हम सब देख पाएंगे शहीद स्मारक स्थल के रूप में। संताल काटा पोखर शहीदों के सम्मान में यह झांकी आज आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है और इस झांकी के माध्यम से उन तमाम शहीदों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी दमन के खिलाफ आवाज उठाई। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष है बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसमें चित्रण किया गया है अंग्रेज दमनकारियों के द्वारा हमारे लोगों के उनके विद्रोह को दबाने की कोशिश में उन्हें मयूराक्षी नदी में काटकर फेंक दिया गया और वह संताल काटा पोखर का चित्रण आपके समक्ष। इसके बाद जो झांकी हमारे समक्ष से गुजरेगी वह है वन प्रमंडल दुमका की झांकी। इस वर्ष की झांकी वन देवी के सानिध्य में विकसित हो रहे विभिन्न अभयारण्यों जैसे उधवा पक्षी विहार, डलमा गज अभयारण्य, पलामू अभयारण्य एवं संरक्षित वन क्षेत्र जैसे सारंडा वन इत्यादि को दर्शाया गया है। अपने वनों को संरक्षित रखने की कोशिश, अपने इन वनों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों का संरक्षण, यही इस झांकी के माध्यम से बताने की कोशिश है। वनों को कटने से बचाओ, अच्छी जलवायु के लिए पेड़ लगाओ, जागरूक बनो और जागरूकता फैलाओ, वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाओ। इसी उद्देश्य के साथ कि जनमानस वन एवं वन्य जीवों के बीच उपस्थित पारस्परिक निर्भरता को दिखाने की कोशिश है कि यह वन जीवन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितनी कि हमारी अपनी जिंदगी। तो इन अभयारण्यों को संरक्षित करने के लिए इन सभी अभयारण्यों के बारे में इस झांकी के माध्यम से चर्चा की गई है। अब जो झांकी हमारे समक्ष से मंच के पास से होकर गुजरेगी वह है पेयजल एवं स्वच्छता की झांकी। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में वनों से आच्छादित प्रदेश झारखंड अपनी अप्रतिम छटा के लिए अपनी पहचान रखता है। ऐसे में इन वनों को संरक्षित करना अति आवश्यक है। अब जो हमारे समक्ष से झांकी गुजरेगी वह है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दुमका में यह झांकी जो प्रदर्शित की जा रही है जिसका लोकार्पण किया गया है वह है झांकी के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत
जिला दुमका के प्रखंड काटी कुंड अंतर्गत दुर्गम पहाड़ी गांव डुमर पहाड़ में शुद्ध नल जल योजना का परिदृश्य प्रदर्शित किया गया है। इस झांकी में जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल से जल उपलब्ध कराया जाना, प्रत्येक घर में स्वच्छ जल एवं शौचालयों के साथ साथ ही सूखा एवं तरल कचरा का संग्रहण की समुचित व्यवस्था का परिदृश्य दर्शाने की कोशिश की गई है। जल जीवन मिशन के तहत जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक जल पहुंचाने की कोशिश है, कार्यरत नल से जल और साथ ही साथ SC ST बाहुल्य टोलों में सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, आदिम जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण, इस प्रमंडल के अंतर्गत 282 आदिम जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण संपादित किया गया है। यानी कि सोलर आधारित जलापूर्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को पीने का स्वच्छ जल मिल पाए, यह कोशिश तमाम घरों तक जल पहुंच पाए, यह कोशिश इस झांकी के माध्यम से दिखाने की गई है। सरकार की तमाम योजनाएं जिनके माध्यम से हर एक व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुंच पाए, पीने का पानी उन्हें उपलब्ध कराया जाए, उनके परिवार उनके घरों में जल की उपलब्धता, शुद्ध जल की उपलब्धता हो, इस कोशिश की योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जाए और इस झांकी के माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश है। अब जो हमारे समक्ष से झांकी गुजरने वाली है वह है पुलिस विभाग की झांकी। पुलिस विभाग द्वारा साइबर क्राइम को नियंत्रित करते हुए आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने एवं महिला सुरक्षा विभिन्न प्रकार के अभिनव पहल एवं प्रयास किए जाने की झांकी इसमें दर्शाई गई है। सामाजिक सुरक्षा और समरसता सब सर्वप्रथम है और इस सामाजिक सुरक्षा को बरकरार रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पे है। अपनी तत्परता अपने जोश खरोश के साथ वह इस कार्य में हमेशा लगे रहते हैं और आज इसी माध्यम से झांकी के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं कि साइबर क्राइम जो आज सबसे बढ़ती हुई समस्या समाज के सामने है, विशेष तौर पर नारियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है साइबर क्राइम के माध्यम से जो उन्हें परेशान किया जाता है, आज पुलिस डिपार्टमेंट जागरूक होकर साइबर क्राइम को बहुत ही तत्परता के साथ लेते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसका निराकरण करता हुआ उन सभी समस्याओं को बड़ी ही सहजता के साथ सुनकर महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना पनपाने की कोशिश की जा रही है। डायन प्रथा जो एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है, समाज के लिए अभिशाप है, उसे दूर करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, महिलाओं के कार्य के स्थानों पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, मोहल्ले गली और समाज में भी उनके जीवन में असुरक्षा की भावना को दूर करना, यही इस पुलिस विभाग की कोशिश हमेशा रही है। और आज इस माध्यम से एकीकृत डायल नंबर जो आपको आज यहां दिया गया है, इस पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं और पुलिस विभाग तुरंत ही उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा। यानी कि समाज की कुरीतियों को और असुरक्षा की भावना को दूर कर सशक्त महिला को समाज में स्थापित करने के लिए उनके अंदर से असुरक्षा की भावना को दूर कर सशक्तिकरण की यह पहल पुलिस विभाग के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने की पुरजोर कोशिश कंप्यूटर कंट्रोल रूम्स के माध्यम से जितने भी कंप्लेंट्स रजिस्टर होते हैं उन पर तुरंत ही उन कंप्लेंट्स को दूर करने की कोशिश, यानी कि जो भी महिला समस्या से ग्रसित हो, परेशान हो, उसे दूर करने की कोशिश ये पुलिस विभाग की झांकी के माध्यम से है। सभी चीजों से परे हम यह कह सकते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ जीवन, यह सब हमारे लिए अति आवश्यक है। कोरोना कॉल और कोविड के दौर में हम सब ने यह महसूस किया है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, तो स्वास्थ्य विभाग की यह झांकी इसी बात को प्रदर्शित करती। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के द्वारा COVID-19 महामारी पर केंद्रित यह झांकी जिसने संपूर्ण विश्व के जीवन को झकझोर कर रख दिया, तमाम लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी, और ऐसे दौर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निरंतर किए गए प्रयास की वजह से कोरोना के काल में, कोरोना महामारी के समापन में उसके प्रोटोकॉल को दिखाते हुए उसके रोकथाम के लिए निरंतर किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों को जिला प्रशासन के
प्रयासों को स्वास्थ्य विभाग की इस झांकी में दिखाया जा रहा है। कोविड 19 सैंपल जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मी कैसे अपने इस कार्य को करते हैं, कोविड 19 के माध्यम से टीकाकरण एक जन जागरण अभियान, लोगों तक उसे पहुंचाने की कोशिश और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देकर कोविड के विषय में जानकारी देकर उनके जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें नॉर्मल जीवन जीने देने की कोशिश कराने की यह स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है। और अब सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति विभाग की वह झांकी जिसमें आज यहां पर सीएम पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई। पेट्रोल सब्सिडी योजना, पेट्रोल हुई महंगी, गाड़ी की रफ्तार हुई कम, मंजिल हुई दूर, सरकार ने लिया सुध, पेट्रोल किया सस्ता, मंजिल हुई आसान, देश के हम हुए पहले राज्य जो उठाए इतने बड़े कदम। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया यह प्रयास जिसमें आपूर्ति विभाग की यह झांकी दर्शा रही है कि किस प्रकार से गरीब आदमी पेट्रोल की कमी की वजह से अपनी बाइक धकेल कर और लेकर जा रहा हो और उस आदमी को जब आज सब्सिडी के माध्यम से पेट्रोल मिलता है तो किस प्रकार वह बेहतर तरीके से अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी इस बाइक का इस्तेमाल कर सकता है। गांव के गरीब आदमी कभी किरासन डालकर तो कभी पेट्रोल नहीं होने पर गाड़ी धक्का देकर या अपने कार्यों को छोड़कर कार्य नहीं कर पाते थे। अब उन्हें इस जो समस्या है उससे निजात मिलेगी, यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आज लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए यह कार्य जो आज यहाँ पर हुआ है। इनमें कई और चीजों का प्रदर्शन है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, ग्रीन कार्ड योजना, पीटीजी डाकिया योजना, झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्य कोष, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, यह योजना, इन सभी योजनाओं को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है और जिनके माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ पाए ऐसी कोशिश इस माध्यम से की गई है। इसके पीछे जो हमारे सामने से झांकी गुजर रही है वह है JSLPS की झांकी, फूलो जानो आशीर्वाद योजना। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस अभियान की शुरुआत स्थानीय स्तर पर ग्रामीण इलाकों में सड़क पर हड़िया निर्माण एवं बिक्री कार्य से जुड़ी महिलाओं को इच्छा अनुसार वैकल्पिक आजीविका के संसाधनों से जोड़कर ग्रामीण इलाकों में इसके दुष्प्रभाव को कम किया जाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी का निर्माण और इन तरह के द्वारा दीदियों को प्रशिक्षण देकर लोगों को प्रेरित करना कि वह मदिरा पान ना करें, नशा पान ना करें और इस कार्य, इस व्यवसाय से ना जुड़े रहें, बल्कि अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे बेहतर कार्यों को, विकल्पों को अपनाएं, यह है JSLPS की कोशिश। JSLPS दुमका के द्वारा इस झांकी में यह दिखाने की कोशिश है कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि, पशुपालन एवं व्यवसाय आदि से अपने आय अर्जित करें और यह अभियान कमजोर वर्ग की ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। JSLPS के द्वारा फूलो जानो आशीर्वाद योजना, इन झांकियों के माध्यम से ये जो प्रदर्शन आपके समक्ष किए गए वो उन सरकार की उन तमाम योजनाओं के प्रदर्शन थे जिनके माध्यम से हमारे समाज की कुरीतियां, विकृतियों को दूर करना, हमारे समाज के निम्न तबके के हर एक व्यक्ति तक समाज की योजनाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश और समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की कोशिश। आज ये सारी झांकियां मैदान में रहेंगी तो जो लोग इन झांकियों को देखना चाहें वो यहाँ आकर इन झांकियों को बाद में देख सकते हैं। और इन झांकियों के प्रदर्शन के बाद आज आपके समक्ष जो यहाँ प्रदर्शन किए गए उनमें परेड का प्रदर्शन था और झांकियों का प्रदर्शन था। बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे जवानों ने